नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम BA पार्ट 2 के कंप्यूटर साइंस के अंदर हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे। सी लैंग्वेज हमने देखा कि कल हमने दो टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं और वो किस प्रकार से अपनी काम को सिद्ध करते हैं। काम को सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ, जहाँ मुझे प्लस की ज़रूरत है उसका मैं प्लस का यूज़ कैसे ले पा रहा हूँ, ग्रेटर देन लेस देन का यूज़ कैसे ले पा रहा हूँ, ये हमने देखा उसके अंदर। उसके बाद हम आज बात करेंगे, अर्थमेटिक हो गया आपका, रिलेशनल हो गया, आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो लॉजिकल वैल्यू के साथ में यूज किए जाते हैं इस श्रेणी में आते हैं। लॉजिकल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैसे लॉजिक क्या है कि या तो ये काम करेगा या फिर ये काम करेगा, दोनों में से एक काम करेगा या फिर ये दोनों एक साथ काम करेंगे। क्या ये दोनों एक साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, लॉजिकल। और इनका जो है बाइनरी जो होते हैं ये उस टाइप के ऑपरेटर होते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है, सामान्यतः इन ऑपरेटर का प्रयोग रिलेशनल ऑपरेटर के ऑपरेटरों के साथ किया जाता है, जो रिलेशनल ऑपरेटर है उनके साथ किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, यदि छात्र की उपस्थिति 75% है अथवा एवं उसके मार्क्स ग्रेटर देन है 50 से, इसका मतलब वो पास है, तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, ATT इज ग्रेटर देन 75% एंड, ठीक है ये एंड हो गया, एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, समझ रहे हो आप। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है इसके अंदर, ठीक है, अटेंडेंस उसकी 75% से ज्यादा है या फिर उसके मार्क्स ज्यादा हैं 50 से, तो क्या होगा, ये आदमी पास होगा। ये जो है ऑपरेटर, इसे हम क्या कहेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर कहेंगे, क्योंकि लॉजिक चेक कर रहा है। और ये क्या हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर आपका, ये क्या हो गया आपका, रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम इसको किस तरीके से यूज ले पा रहे हैं ये आपने अभी देखा। ये जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट, लॉजिकल नॉट, इसको हम क्या कहेंगे, एंड और नॉट, ये तीन टाइप के आपके होते हैं। क्या कह रहा है इसके अंदर कि जब लॉजिकल एंड का प्रयोग हुआ है तो उसके दोनों तरफ वाले एक्सप्रेशन, मैंने बताया था ना, एक मार्क्स वाला और दूसरा अटेंडेंस की परसेंटेज वाला, दोनों वाले एक्सप्रेशन का परिणाम अगर ट्रू होगा तो अंतिम परिणाम भी ट्रू होगा। किसी भी एक तरफ का जो परिणाम है अगर वो फॉल्स हुआ तो उसका अंतिम परिणाम फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इधर आने वाला और इधर आने वाला दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ट्रू, क्योंकि एंड बोल रहा है ये, एंड का मतलब क्या हुआ, होना ही चाहिए ये और वो दोनों, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, इसके विपरीत क्या होता है इसके अंदर और में, कि या तो इधर वाला सही हो या फिर इधर वाला सही हो। जैसे बात करते हैं कि आप एडमिशन के लिए कहीं जाते हो तो आपसे कोई वोटर आईडी कार्ड दे दो आपका, तो आईडी कार्ड में आधार कार्ड भी दे सकते हो, आप अपना वोटर का आईडी कार्ड भी दे सकते हो, तो क्या हो गया, आधार कार्ड अथवा मतलब और, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों में से एक हुआ तो आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होने पर अंतिम जो परिणाम होगा वो भी ट्रू आएगा। ये क्या हो गया आपका, लॉजिकल और सिचुएशन। उसके बाद आपके है नोट का जो कंडीशन है, उसमें यह है कि जो भी नोट लगाने के बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको उलट देगा। जैसे मैं बात करता हूं कि ए
नोट इक्वल्स टू 5, इसका मतलब ए उसके बराबर नहीं है। और अभी जब जैसे ही मैं इसकी बात करूंगा नोट की, इसका मतलब ये उसके परिणाम को उल्टा करेगा और ये क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर होगा। ये क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर, ये मतलब दोनों में होगा। ये जो दोनों है वो बाइनरी है, इसके लिए दो जरूरत पड़ेगी आपको, पर इसके लिए आपको दो की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है। जैसे मैं इसकी बात करूं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में दिया, वही वाला लेते हैं। ये दिया हुआ है कि पी ग्रेटर देन 10, ठीक है, पी ग्रेटर देन 10 एंड पी लेस देन 20। ये आपके पास एक सिचुएशन है, इसके अंदर पी की जो वैल्यू है वो 18 है, 18 पी 10 से बड़ा है, जी हाँ, और इससे छोटा है, जी हाँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, मतलब ट्रू है ये कंडीशन, क्योंकि ये दोनों इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब मैं अगर यहां पर नोट लगा देता हूं, इसका मतलब क्या होगा, ये इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। नोट का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, अगर 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, ये मतलब उल्टा कर देगा। इसका मतलब होता ही है कि नोट है, नोट का कार्य किसी भी एक्सप्रेशन को उसके बाइनरी वैल्यू को चेंज करना हुआ, बुलियन वैल्यू इनको कहते हैं। ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर, इसके एग्जांपल जो है वो आप जब भी कॉलेज में आएंगे आपको जरूर कराए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर चलिए देख लेते हैं। ऐसे ऑपरेटर जो किसी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए काम में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। इनके दो होते हैं, एक होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरे होते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एक तो अपन सीधा कहेंगे जैसे 10 ए इक्वल्स टू 10, तो क्या हुआ कि ए के अंदर 10 की वैल्यू स्टोर हो गई आकर, तो हमने ये वाला यूज लिया, तो पहला अपना एक्सप्रेशन हो गया इक्वल्स टू साइन। दूसरा अगर इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो अगर मैं ये लिख रहा हूं a इक्वल्स टू a प्लस 10, अगर मैं ये लिख रहा हूं, इससे अच्छा मैं इसको ये लिख सकता हूं a प्लस इक्वल्स टू 10। तो इससे क्या होगा, इसी को मैंने लॉन्ग टर्म में ना लिखकर शॉर्ट टर्म में लिख दिया, शॉर्ट एंड में लिख दिया, तो इसका मुझे कोडिंग थोड़ी कम करनी पड़ी, एक अक्षर कम लिखना पड़ा, ठीक है। ये क्या बोलता है कि शॉर्ट एंड इसके अंदर सारे ही आते हैं ना, ये मैं सोचता कि जैसे प्लस का भी आएगा, माइनस का भी आएगा, गुणा का भी आएगा, भाग का भी आएगा और मोड का भी आएगा, तो ये सारे इसके अंदर आएंगे। ये हो गए शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर और ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको हम इक्वल टू साइन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर अंक गणितीय ऑपरेटरों एवं असाइनमेंट ऑपरेटर का मिश्रण है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये अंक गणितीय जो है वो ऑपरेटर हो गए, इनका मिश्रण है। इसके अंदर हमें शॉर्ट हैंड किस तरीके से लिखा जाता है मैंने आपको बता दिया कि अगर ये एक सिचुएशन है तो मैं इसको इस तरीके भी लिख सकता हूं। अगर यहां पर माइनस होता, ए माइनस 10 होता, तो मैं यहां पर माइनस इक्वल टू 10 भी कर सकता था। इस प्रकार से हम इन सभी ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम अगले जो ऑपरेटर हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इनका हम प्रयोग देखेंगे और ये आगे किस प्रकार से काम आएंगे। ये सारे जो ऑपरेटर हैं, आपको अगर अभी ऐसा लगे कि ये किस प्रकार से काम आएंगे या फिर नहीं काम आएंगे, तो आप इसको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आगे जो भी प्रोग्राम आएंगे तो इन सभी का उपयोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं अपन। तो आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे, जैसे जैसे आप उस चीज को रियल लाइफ में यूज लोगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी।
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है उनके अंदर आता है पहला आपका प्लस प्लस और दूसरा आता है माइनस माइनस। अब आप सोचो प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ और माइनस माइनस का क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ ये किसी भी वैल्यू को बढ़ाने के लिए है। बढ़ाना किसे कहते हैं? इंक्रीमेंट। और ये क्या है? घटाने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? डिक्रीमेंट। ये जो दोनों हैं उनका प्रयोग जो है वो प्री और पोस्ट में भी किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल लेता हूं, मैं कह रहा हूं ए प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया? ए इक्वल्स टू टू है, तो अब यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? ए हो जाएगा तीन। क्यों? क्योंकि आपने इंक्रीमेंट इसके अंदर जोड़ दिया है। अभी यहीं पर अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं प्लस प्लस ए भी इसके अंदर कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? प्लस प्लस ए भी कर सकता हूं। इसे मैं कहूंगा पोस्ट इंक्रीमेंट, इसे मैं क्या कहूंगा? प्री इंक्रीमेंट। अपने वेरिएबल के बाद में लगने वाले इंक्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट। अपने वेरिएबल के पहले लगने वाले इंक्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? प्री इंक्रीमेंट। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इसको माइनस माइनस कर रहा हूं, तो मेरे वेरिएबल के पीछे से कोई लग रहा है तो उसे मैं कहूंगा पोस्ट डिक्रीमेंट, और अगर मेरे वेरिएबल के पहले कोई लग रहा है तो उसे मैं क्या कहूंगा? प्री डिक्रीमेंट। तो ये हो गए आपके किस प्रकार से काम करते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करते हैं, चलिए देख लेते हैं। जब जो प्री इंक्रीमेंट होते हैं, इन एक्सप्रेशन की जो प्री ऑपरेटर की भांति प्रयोग किया जाता है, इनमें पहले इंक्रीमेंट होता है, बाद में बढ़ी हुई वैल्यू का प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको जब भी आप कॉलेज आएंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ताकि आपको देख पाओगे कि किस प्रकार से प्री इंक्रीमेंट। क्योंकि एक बार सोच के देखो कि मैं चाहे इसको पहले करूं इंक्रीमेंट या फिर बाद में करूं इंक्रीमेंट, फर्क क्या पड़ता है? फर्क एक स्टेप का पड़ता है, जो स्टेप आपके प्रोग्रामिंग में बहुत बार यूज लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार पोस्ट इंक्रीमेंट का भी वही है कि जब आप किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू एक्सप्रेशन के अंदर प्रयोग होने वाली वैल्यू के साथ ही बदल जाता है, उसके साथ ही वो बदलता है। इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद में आज आपका नेक्स्ट जो है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है चलिए देखते हैं। इस श्रेणी में सिर्फ एक ऑपरेटर आता है जो कि है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्या पता है? आपको पता नहीं है, उस चीज को हम क्वेश्चन मार्क में लिखते हैं। चूंकि इसमें तीन ऑपरेंड काम में आते हैं अतः इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। यूनरी के अंदर क्या था? यूनरी में क्या था? एक एक्सप्रेशन था बाइनरी में, दो एक्सप्रेशन थे टर्नरी में, तीन एक्सप्रेशन है। तीन एक्सप्रेशन कैसे हैं? चलो हम देख लेते हैं। यह ऑपरेटर कंडीशन जांच करने के काम में आता है। इसका कैसे रहेगा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन वन क्वेश्चन मार्क, लॉजिकल एक्सप्रेशन दो, और फिर इसके अंदर यह चेक किया जाएगा कि आपका एक्सप्रेशन तीन क्या है। इसका बेसिकली मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर अपन समझते हैं कि अगर ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि ये क्या है, एक्सप्रेशन वन, लॉजिकल एक्सप्रेशन वन, ये हो गया आपका एल ई वन, ये क्या हो गया आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन टू,
एक्सप्रेशन टू, और ये क्या हो गया एक्सप्रेशन थ्री। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर ए जो है वो 36 से ज्यादा है, या फिर मैं यूं कहूं ए की जगह मैं इसका नाम मार्क्स लिख देता हूं, एम ए आर के एस मार्क्स, अगर आपके मार्क्स 36 से ज्यादा है तो आप पास हो, नहीं तो आप फेल हो। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सही होती है, ये कंडीशन अगर सही होती है तो ये वाला काम होगा, नहीं तो होती है सही, ये फॉल्स होती है तो ये वाला काम होगा। अगर कंडीशन सही है तो ये वाला काम होगा, कंडीशन अगर गलत है तो ये वाला काम होगा। तो ये क्या हो गया, आपने कंडीशन दी इसके अंदर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है, क्योंकि आप इसके अंदर कंडीशन डाल रहे हो। अगर मार्क्स यहां पर मार्क्स क्या, अगर नंबर 48 आते हैं तो ये क्या होगा पी होगा, अगर इसके मार्क्स आते हैं 34 नंबर तो ये क्या होगा एफ होगा। ये जो है वो आपको अलग अलग प्रकार की चीजें बताता है कि किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का यूज लेते हुए आप कंडीशन चेक करते हो, और कंडीशन के बाद में आप अलग अलग एक्सप्रेशन देते हो कंडीशन सही या गलत होने पर। ठीक है, आज हमने पढ़े लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल्स टू, और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में प्लस इक्वल्स टू। उसके बाद हमने देखे इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, जिसके अंदर क्या था प्लस प्लस और माइनस माइनस था, जो भी प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट में आते थे। और कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो क्वेश्चन मार्क पढ़ा हमने कि वो किस प्रकार से काम करता है। आई होप आपको सभी चीजें थ्योरी में समझ में आ रही होगी, प्रैक्टिकल में मुझे पता है कि अभी समझ में नहीं आएगा। जब भी आप कॉलेज आओगे तो आपको पढ़ाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आप सबको समझ में आएगा। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पर बैठ के खूब अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर।